को आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, जिसी क्रम में उसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। मैं आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा फायरिंग में अभियुक्त को गोली लगी थी। तनीश खान की मृत्यु हो गई है। 30 अगस्त 2023 सरयू एक्सप्रेस में महिला हेड कांस्टेबल के साथ बर्बरता की शर्मनाक खबर सामने आई थी। ट्रेन में एक महिला सिपाही खून से लथपथ मिली थी, कपड़े कई जगह से फटे थे। कांस्टेबल बेहोशी की हालत में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में सीट के नीचे मिली थी। अब बड़ी खबर यह है कि एसटीएफ और पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अनीस को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। वहीं क्रॉस फायरिंग में एक दरोगा और दो सिपाही जख्मी हुए हैं। एनकाउंटर अयोध्या में हुआ है। मुठभेड़ में अनीस के दो साथी आजाद और विशंबर दयाल गिरफ्तार किए गए हैं। तो आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, जिसी क्रम में उसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके उसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग में अभियुक्त को गोली लगी थी, जिनको इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल इलाज के दौरान एक अभियुक्त तनीश खान सन ऑफ रियाज खान रहने वाला जो हैदरगंज थाना क्षेत्र का है, उसकी मृत्यु हो गई है। 30 अगस्त को महिला कांस्टेबल घर से ड्यूटी के लिए निकली थी। शाम करीब 6:30 बजे फाफामऊ स्टेशन पहुंच गई। वहां सरयू एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे की कोच में बैठ गई। ट्रेन प्रतापगढ़ होते हुए सुल्तानपुर पहुंची, इसके बाद अयोध्या कैंट। यहां रात 11:15 पर ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकी। कांस्टेबल को यहीं उतरकर हनुमानगढ़ी जाना था, लेकिन वह नहीं उतरी। ट्रेन 12 बजे अयोध्या जंक्शन पहुंची। लगभग यात्री उतर गए, मगर महिला हेड कांस्टेबल नहीं उतरी। ट्रेन करीब 1 बजे अपने आखिरी स्टेशन मनकापुर पहुंच गई। मनकापुर में ट्रेन करीब 2 घंटे रुकी। गाड़ी का इंजन बदल गया। ट्रेन लगभग 3 बजे दोबारा मनकापुर से अयोध्या के लिए चली। ट्रेन अयोध्या पहुंची तो जीआरपी के सिपाही चढ़े। उन्होंने देखा कि एक सीट के नीचे महिला कांस्टेबल तड़प रही थी। महिला कांस्टेबल के चेहरे पर चाकू के गंभीर कट थे। वर्दी पूरी तरह खून से भींगी हुई थी। इस जघन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। मामले में शुक्रवार सुबह एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुख्य आरोपी अनीस को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।